हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ई स्निपेट्स। आज हम लोग बात करेंगे कि एथनोग्राफी क्या है। जब हम किसी कम्युनिटी में फील्ड वर्क करने जाते हैं और हम उस कम्युनिटी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे पास जो एक ऑप्शन बचता है उसको स्टडी करने का, वो है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी और फील्ड वर्क और एंथ्रोपोलॉजी, ये तीनों एक साथ चलने वाली चीजें हैं। एथनोग्राफी के बिना हम किसी भी कम्युनिटी के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। अगर हमें सारी चीजें किसी सोसाइटी के बारे में जाननी है तो हमें उसका एक पार्ट बन के जीना पड़ेगा, और अगर हम उसका एक पार्ट बन के अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तब हम उसके बारे में सब कुछ जान पाते हैं, जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। सो इन एंथ्रोपोलॉजी, एथनोग्राफी इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ फील्ड वर्क। Theoretically, it can be defined as a type of qualitative research that involves immersing yourself in a particular community or organization to observe their behavior and interaction. Ethnographic research हमारी originate हुई थी anthropology की field में, and ये जो term है ये mid 19th century के करीब first time use किया गया था in the book named The Natural History of Man, which was published in 1943 and was written by J.C. Pritchard. इन्होंने पहली बार distinguish किया था descriptive study of ethnography को from the history of nations, जिसको कि उन्होंने ethnology कहा था। E.B. Tyler ने अपनी book में primitive culture में ethnology और ethnography को as a synonym use किया है, but the two concepts are now very much different from each other, and when we are doing a descriptive study of a particular community, then we call it as ethnography, and जब हम किसी दो communities की एक comparative study करते हैं तब हम उसको ethnology कहते हैं। ethnography जो है वो एक बहुत ही flexible सा research method है जो allow करता है to gain a very deep understanding of a particular group, उसका क्या कल्चर है, वहाँ क्या कन्वेंशंस है, वहाँ की सोशल डायनेमिक्स कैसी है, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको किसी एक अननोन ग्रुप का या किसी प्रिमिटिव ग्रुप का या किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का समझना है तो आपको उसका एक पार्ट बन के रहना पड़ेगा, और उसमें देर आर नो डिफाइंड लाइन्स दैट हाउ यू विल परफॉर्म योर रिसर्च, सो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर। हाउएवर It also involves some practical and ethical challenges. आइए जानते हैं कि ethnography के advantages क्या हैं। सबसे पहला जो advantage है ethnography का वो ये है कि it gives the researcher a direct access to the culture and practices of a group. अगर आप secondary data पे अपना field work base करते हैं तो जिसने भी उसको लिखा है, उस data को mention किया है, उसके बेसिक एथिक्स पर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को आप पढ़ रहे हैं, ना कि आप उस सोसाइटी को डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आप जब एथनोग्राफिक पढ़ते हैं, जब आप एथनोग्राफी यूज करते हैं, जब आप वहां पर जाके उसको स्टडी करते हैं कल्चर को, तो आप डायरेक्ट आपको एक्सेस मिल जाता है टू ऑब्जर्व द कल्चरल प्रैक्टिसेस, देयर डे टू डे लाइफ, and understand a particular society in a very deep manner. So this is the major advantage of ethnography. The next advantage is that it is a useful approach for learning firsthand about the behavior and interaction of people within a particular context. Whenever you are basing your study or field work on some other's point of view, चार्ल्स फ्रॉकले ने ये कहा था कि एथनोग्राफी जो है इट शुड बी अंडरस्टूड एज अ थ्योरी ऑफ कल्चरल बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, और सेम व्यू ही कॉन्क्लिन ने यूज किया था, जिसमें वो स्पेसिफाई करते हैं कि एथनोग्राफी इज एन अप्रोप्रिएट एंटिसिपेशन रादर देन प्रेडिक्शन। तो हम किसी भी सोसाइटी के बारे में प्रेडिक्ट करके उसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं, अनलेस एंड अंटिल हम उसका एज अ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं या उसको अच्छे से समझना चाहते हैं उसके अपने वर्ल्ड व्यू के साथ, अपने पर्सपेक्टिव के साथ, तो हमको उसका एक पार्ट बनके अपनी लाइफ का एक मेजर हिस्सा उसके साथ बिताना होगा, और तभी हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे।
Ethnography says that rather than aiming to verify a general theory or test a hypothesis, the aim is to offer a rich narrative account of a specific culture, allowing you to explore many different aspects of the group and the setting. ये सबसे मेजर एडवांटेज है हमारी एथनोग्राफी का, जिसमें कि हमें एक जनरल अकाउंट मिल जाता है. आंखों देखा चीजों का जब अकाउंट आपके सामने रहता है, तब आप उसको ज्यादा अच्छे से उस कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हो, रादर कि आप एक प्री कंसीव नोशन लेके वहां जाओ और उसको टेस्ट करो उस सोसाइटी में. इसके बजाय जब हम उस सोसाइटी के बारे में डीपली स्टडी करते हैं और हर चीज को एक नैरेटिव तैयार करते हैं और उसको हम अपने हिसाब से ऑल्टर नहीं करते हैं, अपने प्री कंसीव नोशन से, अपने कल्चर से उसको अपनी एनालिसिस को इफेक्ट नहीं होने देते हैं, वो ही मेन एडवांटेज होता है, टूल होता है हमारा जब हम एथनोग्राफी किसी भी सोसाइटी की करते हैं. अब आइए देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है एथनोग्राफी के. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एथनोग्राफी का है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. अगर आपको किसी भी सोसाइटी में जाना है और उसको उसका एज अ पार्ट की तरह आप उसमें इन्वॉल्व हो जाना चाहते हैं, आप उसके बारे में हर चीज जानना चाहते हैं उनके अपने पर्सपेक्टिव से, तब आपको उस सोसाइटी के साथ एक बहुत लंबा समय गुजारना पड़ता है. तभी आप उस सोसाइटी में एज अ पार्ट एक्सेप्टेबल होते हैं, तब आप उनके नोशंस को, उनके नॉर्म्स को, उनकी वैल्यूज को, उनके वर्ल्ड व्यू को आप समझ पाते हैं. अगर आप बहुत लिमिटेड टाइम में कोई भी स्टडी करना चाहते हैं तो एथनोग्राफी इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड. नेक्स्ट कम्स दिस लॉन्ग टर्म इमर्शन कैन बी चैलेंजिंग एंड रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, क्योंकि आप जब वहां पर जाते हैं स्टडी करने तो आपको उस सोसाइटी में एक्सेप्ट होना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. आप बहुत प्लान्ड वे में चलते हो तभी लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं. आपको एक आउटसाइडर से इनसाइडर बनना पड़ता है, उसके लिए आपको बहुत केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है और बहुत ही ज्यादा केयरफुली चलने की जरूरत होती है. नेक्स्ट मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च इज दैट इट कैन रन द रिस्क ऑफ ऑब्जर्वर्स बायस. आप अपने कल्चर से गए हो, वहां जहां आप जिस सोसाइटी को स्टडी करने गए हो वहां पे आपके कल्चर से वो डिफरेंट हो सकती है और बहुत सारे उनके नॉर्म्स, उनके वैल्यूज आपके कल्चर के साथ मैच नहीं करते हैं. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ऑब्जर्वर बायस आ जाती है. वी इफ द ऑब्जर्वर स्टार्ट्स एनालाइजिंग द थिंग्स इन द पॉजिटिव और नेगेटिव वे और starts becoming judgmental about the activities, the customs and religion and pattern of living, then serves as the basis of the observer's bias. तब आप वहां पर biased हो जाते हो जब आप अच्छा बुरा सही गलत इन सारी चीजों पर पढ़ते हो. Because every culture has its own perspective, every culture has its own world view. अब अगर आप अपने कल्चर को उससे कंपेयर करने लगेंगे जिस कल्चर को आप स्टडी करने गए हैं, जिस सोसाइटी को आप स्टडी करने गए हैं, तो आपका अप्रोच जो है वो बायस्ड हो जाएगा, आपका अप्रोच ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाएगा, आप चीजों को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज नहीं कर पाएंगे. राइटिंग एंड एथनोग्राफी इन्वॉल्व सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन and it can be difficult to maintain the necessary distance to analyze a group that you are embedded in. अब क्या होता है कि जब आप ने एक सोसाइटी में, you have been born and brought up in a particular society, in a particular culture, आप उससे different जगह पे जब जाते हो तो आप चीजों को जब interpret करते हो तो it may your culture, your enculturation, your personality may influence your interpretation. And if your view is dominating the view of the society, then the interpretation will be distorted. It will not be objective. तो जब भी आप ethnography कर रहे हो या कोई ethnographic research है तो उसमें सबसे important होता है कि there should be no subjective interpretation, only objective interpretation should be there. And your work must not be obsessed with observers
बायस। आइए देखते हैं फेमस एथनोग्राफीज कौन सी हैं। फ्यू ऑफ द फेमस एथनोग्राफीज आर आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, जो बहुत ही फेमस एथनोग्राफी है, मालिनोस्की ने करी थी। देन कम्स कमिंग ऑफ एज ऑफ समोआ, विच वॉज डन बाय मार्गरेट मीड इन 1928। देन द थर्ड कम्स द न्यूयॉर्क, विच वॉज डन बाय इवांस प्रेचर्ड। देन कम्स द लील ऑफ कसाई बाय मैरी डोग्लास, विच वॉज डन इन 1963। दीज आर सम ऑफ द फेमस एथनोग्राफीज इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। थैंक यू। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।